दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। खंड के चमोली में 7 फरवरी को विनाशकारी बाढ़ आई थी। इस घटना को एक पखवाड़े से अधिक समय बीत गया। अब राज्य सरकार ने आपदा के बाद लापता हुए 130 से अधिक लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर जो लोग आपदा में लापता हो जाते हैं उनका अगर 7 साल तक कुछ पता नहीं चलता तब उन्हें मृत घोषित किया जाता है। लेकिन चमोली आपदा के मामले में बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के पंजीकरण के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस एक्ट के तहत आपदा में लापता लोगों को 7 साल के पहले मृत घोषित किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है जबकि केंद्र द्वारा 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। 2013 केदारनाथ त्रासदी के मामले में जो लोग लापता थे उन्हें 7 साल की अवधि से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। राज्य सरकार की अधिसूचना को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने जारी की। लापता व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदनों को निपटाने के लिए जिला स्तर पर नामित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अधिसूचना में कहा गया है मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से लापता व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों या आसपास के क्षेत्रों के निवासी थे। दूसरे, वे जो उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी थे लेकिन मौजूद थे 7 फरवरी को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। और अंतिम श्रेणी अन्य राज्यों से संबंधित है जो उसी दिन बाढ़ ग्रसित इलाकों में मौजूद थे।